नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क है, कोई षड्यंत्र यहाँ चलने वाला नहीं। नीतीश कुमार जी ने अमीर लकीर खींचा है जो किसी के मिटाने से नहीं। सत्ता अगर उनके हाथ से चला गया तो स्वाभाविक है उनकी बौखला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 चुनाव की याद दिला दी और कहा कि 2020 में उनके साथ धोखा हुआ है, सबका हिसाब होगा और सबकी जानकारी उनको है। एक तरफ आरसीपी सिंह को पार्टी से कैसे भी करके बाहर निकाला गया, वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर अब निगाहें हैं ललन सिंह की। ललन सिंह ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में बड़ा तूफान आने वाला है और ये तूफान जनता दल यूनाइटेड के नेता लाएंगे, इसलिए उनके पास हर चीज का जवाब है। भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से कोट करते हुए उन्होंने कहा कि एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा और सभी चीजों को बारीकी से अध्ययन करने के बाद उन्होंने विचार किया है कि आने वाले दिनों में जो लोग उनके साथ षड्यंत्र कर रहे थे उनका खुलासा किया जाएगा। आरसीपी सिंह को लेकर उन्होंने किस तरीके से बयान दिया है और आने वाले दिनों में ललन सिंह किसके खिलाफ खुलासा करने वाले हैं, सब कुछ का जिक्र उन्होंने किया है। और जहाज मरम्मत करके एकदम ठीक कर दिया, वो जहाज दौड़े, लेकिन जहाज में जब पानी घुसता है तो कौन भागता है? सबसे पहले कौन भागता है? ये भागता है कि जो सत्ता के साथी हैं, जो संघर्ष के साथी नहीं है, सत्ता अगर उनके हाथ से चला गया तो स्वाभाविक है उनकी बौखलाहट। तो सत्ता जाने के कारण बौखलाहट है और नीतीश कुमार जी ने षड्यंत्र को पहचान लिया। पहले भी कहें, हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं, कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे। लेकिन आज ऐसे लोग भी बोल रहे हैं, अरे भाई कोई भी आदमी षड्यंत्र क्यों करते हो नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए? नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक लंबी लकीर खींची है विकास की, लंबी लकीर खींची। अब अगर आप उसको पार करना चाहते हो तो उसके नीचे कोई लंबी लकीर खींचो, उस लकीर को मिटाने का क्यों प्रयास कर रहे हो? और जो षड्यंत्र नीतीश कुमार जी के खिलाफ होता है वो उसी का परिचायक है कि लकीर लोग मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लकीर मिटाने से मिटता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अमीट लकीर खींचा है जो किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। संगठन के बारे में भी कहते हैं बहुत भारी संगठन कर दियो। भाई आप लोग बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत पार्टी के कार्यकर्ता साथी भी हैं और आप प्रेस के लोग साथी भी। 1 मार्च 2020 को अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।